वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज हम टीवीएस मोटर स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो टीवीएस मोटर स्टॉक की बात की जाए तो 1023 पे यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। आज 13 पॉइंट डाउन है, तकरीबन 1.29% डाउन है स्टॉक आज टीवीएस मोटर स्टॉक। जैसे स्टॉक आज ओपन हुआ था ऊपर स्टेबिलिटी दिखा रहा था, 1050 लेवल का रेजिस्टेंस जैसे ही लगा स्टॉक में गिरावट नजर आ चुकी है। तकरीबन रिसेंटली देख सकते कि दोपहर के बाद तो यहाँ पे और वीक मूवमेंट नजर आ चुके हैं। प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेक डाउन किया स्टॉक ने और स्टॉक में गिरावट नजर आ चुके हैं। तो रिसेंटली देख सकते कि टीवीएस मोटर के हम लोग सबसे पहले यहाँ पे न्यूज चेक करने वाले हैं। तो देख सकते कि न्यूज के ऊपर नजर डाली जाए टीवीएस मोटर के, तो कोई खास अपडेट है क्या रिगार्डिंग टीवीएस मोटर, इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। जैसे कि 1023 पे ट्रेडिंग करा है स्टॉक, 13 पॉइंट डाउन है टोटली। यहाँ पे देखा जाए तो कोई खास अपडेट या न्यूज सामने नहीं है रिगार्डिंग टीवीएस मोटर। पर देख सकते कि मार्केट कैप जो है 48,000 करोड़ की है, पी रेशो 38 का है, थोड़ा सा हाई दिखाई दे रहा है, डिविडेंड यील्ड भी देता है स्टॉक। लास्ट 5 डेज में स्टॉक की मोमेंटम नजर डाली जाए तो देख सकते 1050 लेवल जो है रेजिस्टेंस एक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते कि ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 9,38,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू जो है 9,766 लाख का है। बाइंग के लिए 92,000 क्वांटिटी है तो सेलिंग के लिए 1,31,000 क्वांटिटी है। सेलिंग का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हाई लगता हुआ नजर आ चुका है स्टॉक के अंदर। तो टीवीएस मोटर का चार्ट भी देखा जाए तो देख सकते कि स्टॉक ने यहाँ पे आज बेरिश मूवमेंट नजर आ चुके, स्टॉक में गिरावट नजर आ चुके। तकरीबन देखा जाए तो यहाँ पे जो मंथली प्यूट था 1000, यहाँ पे आज इस मंथ का जो नए मंथ का 1032 उसको ब्रेक डाउन किया है और स्टॉक नीचे जा रहा है। तो 1020 को ब्रेक डाउन देता है और नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर से स्टॉक 1000 तक नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है।